Hello students, welcome to this video lecture on wastewater treatment plants. We are discussing secondary treatment and in this lecture we will discuss anaerobic lagoons. इस video lecture में हम लोग anaerobic lagoons को discuss करेंगे. So anaerobic lagoons. So ये उसकी picture है. एनारोबिक लैगूंस, थोड़ा इसको ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा. सो एन एनारोबिक लैगून, इट्स आल्सो कॉल्ड मैन्यूर लैगून. इट्स अ मैन मेड आउटडोर अर्थन बेसिन फिल्ड विद एनिमल वेस्ट दैट अंडरगोज एनारोबिक रेस्पिरेशन as part of a system designed to manage and treat refuse created by concentrated animal feeding operations. Anaerobic lagoons are created from manure slurry which is washed out from the underneath the animal pens and then piped into the lagoon. जो एनारोबिक लैगून है, ये एनारोबिक मीन्स जिसमें रिएक्शन विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बिना जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपना रोल प्ले करेंगे, इसको मैन्यूर लैगून भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है मैन्यूर लैगून? क्योंकि ये मैन्यूर सलरी से, सलरी क्या होता है, जो सॉलिड लिक्विड का एक जो घोल सा बन जाता है, दैट इज सिलरी. और वो सिलरी कहाँ से आ रही है? एनिमल पेंस. एनिमल पेंस के जैसे जानवरों का बाड़ा, जहाँ पे जानवर रखे जाते हैं, जो उनका वेस्ट होता है उनको इकट्ठा करके पाइप करके इस लैगून में, इस छप्पड़ में, इस पॉन्ड में लेके जाया जाता है. तो ये एनिमल वेस्ट को, मेनली उस सिलरी को, जो सिलरी बन जाती है लिक्विड सॉलिड मिक्स करके जो सिलरी बनती है, उसको हम लोग मैन्यूर सिलरी कहते हैं. मैन्यूर क्या होता है? जो फर्टिलाइजेशन के लिए, सॉइल फर्टिलाइजेशन, क्रॉप फर्टिलाइजेशन के लिए यूज़ होता है. तो ये जो चीज़ है उसको मैन्यूर सिलरी, हम इस लैगून को इसलिए मैन्यूर लैगून भी कहेंगे. ये मैन मेड आउटडोर अर्थन बेसिन होता है, मतलब धरती में से, यूजली आमतौर पर ज़मीन में से इसको काट करके इंसान द्वारा, और बाहर आउटडोर रहता है, इंडोर यूजली नहीं होता है. एंड फिल्ड विद एनिमल वेस्ट दैट अंडरगोज एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो सारी डेफिनेशन अपने आप में क्लियर हो जाती है कि इसमें ऑक्सीजन के बिना में जो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिएक्ट करेंगे, और इसमें एनिमल वेस्ट यूजली फीड की जाती है. एंड एनारोबिक लैगून is a deep impoundment essentially free of dissolved oxygen that promotes anaerobic conditions. The process typically takes place in deep earthen basins and such ponds are used as anaerobic pretreatment systems. Anaerobic lagoons are not aerated, heated or mixed. The typical depth of an aerated lagoon is greater than 8 feet with greater depths preferred. The typical depth of an anaerobic lagoon is greater than 8 feet. गलत लिखा हुआ है यहाँ. So anaerobic lagoon जो होता है ये deep, इसको deep ही होना है. अगर shallow होगा तो वो anaerobic रह नहीं पाएगा. तो जैसे last point में मैं कहा कि usually इसकी जो depth है 8 feet होती है, और preferred क्या होती है कि 8 feet से भी ज़्यादा हो तो जो ज़्यादा अच्छा रहेगा. डीप इम्पाउंडमेंट इसेंशली फ्री ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, इसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए ताकि इसमें एनारोबिक कंडीशंस बनी रहे. डीप अर्थन बेसिन रहता है, और इसको एनारोबिक प्री ट्रीटमेंट सिस्टम के तौर पे भी हम लोग मान सकते हैं. एनारोबिक लैगूंस में एरेशन, हीटिंग और मिक्सिंग ऐसा कोई भी इक्विपमेंट नहीं होता, ये टोटली नेचुरल प्रोसेस रहता है.
एनारोबिक लैगून्स आर अर्थन बेसिन्स विद यूजुअल डेप्थ 8 to 15 feet, हम लोग बात कर चुके हैं 8 से 15 feet तक इसकी गहराई रहती है. दे आर डिजाइन टू होल्ड एंड ट्रीट वेस्ट वाटर फ्रॉम 20 to 150 days, 20 से लेकर के 150 दिनों तक इसमें करीबन पानी रहता है फुल डाइजेशन होने के लिए. टू मिनिमाइज लीकेज ऑफ एनिमल वेस्ट इन टू द ग्राउंड वाटर न्यूर लैगून्स आर जनरली लाइन विद क्ले, क्योंकि ये हार्मफुल है, एनिमल वेस्ट है, अगर ये नीचे वाटर टेबल में सीप कर जाएगा तो ये वाटर टेबल को पल्यूट करेगा. तो ऑब्वियसली हमें इस पॉन्ड में कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे. क्या करेंगे, लाइंड विद क्ले. तो जो क्ले है उसका लेप चारों तरफ से, हम लोग अगर सस्ता चल रहे हैं तो क्ले का लेप लगाया जाता है ताकि वो एक लेयर बना दे, उसके नीचे सीप ना करे. अदरवाइज जो है प्लास्टिक शीट्स भी यूज कर की जा सकती हैं. एनारोबिक लैगून आर मोस्ट ऑफ यूज टू ट्रीट एनिमल वेस्ट फ्रॉम डेयरी एंड पिग फार्म्स, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल वेस्ट, और एज द फर्स्ट ट्रीटमेंट स्टेप इन द सिस्टम यूजिंग टू और मोर लैगून्स इन सीरीज. तो वही बात घूम फिर के बार बार वही बात आ रही है कि जो ये डेयरी या पिग फार्म में एनिमल वेस्ट को ट्रीट करने के लिए मेनली यूज़ होता है, या कमर्शियल और इंडस्ट्रियल वेस्ट को ट्रीट करने के लिए यूज़ होगा, और हम लोग को लैगून्स को दो, एक या दो से ज़्यादा लैगून्स को सीरीज में लगा करके हम इसकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं. Inside an anaerobic lagoon, solids in the wastewater separate and settle into layers. The top layer consists of grease, scum, and other floating materials. If not preceded with septic tanks, the layer of sludge that settles at the bottom of an anaerobic lagoon eventually accumulates and must be removed. The wastewater that leaves an anaerobic lagoon will require further treatment. क्या कहना चाह रहा है ये? Anaerobic lagoon के अंदर में जो solid wastewater के अंदर में जो solid होता है वो layers में separate हो जाते हैं solids. Top layer में जो हल्का solid रहेंगे, हल्का कौन से, grease, scum और जो other floating material है वो टॉप लेयर पे आ जाता है. और जो अगर इसमें सेप्टिक टैंक पहले नहीं यूज़ किया गया, अगर सेप्टिक टैंक का वेस्ट नहीं है ये, तो दैट मीन्स कि इसमें जो सॉलिड्स हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी रहेगी वेस्ट वाटर, जो इसमें मैन्यूर या स्लरी आ रही है. और जो लेयर ऑफ स्लज दैट सेटल्स एट द बॉटम ऑफ एन एनारोबिक लैगून एवेंचुअली एक्यूमुलेट्स, तो इसमें जो स्लज की लेयर बनती है